इंटरव्यू देने जाने के लिए ट्रेन टिकट के भी नहीं थे पैसे, ऐसे ही पहली आदिवासी महिला श्रीधान्या बनी है अफसर। इनकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। श्रीधान्या ने बड़ी ही मुश्किल से यूपीएससी की तैयारी करी है, और ये भी बता दूं मैं आपको कि पहले दो प्रयासों में वो सफल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आपको मैं बता दूं कि भारत अपनी जीवंत संस्कृति और कई धर्मों के लिए प्रसिद्ध है। क्या आपको स्टूडेंट्स की अलग अलग कैटेगरी याद है जो हमें स्कूल में बताई जाती थी? आपने कक्षा में कभी पढ़ा होगा और बताया भी जाता था हमें स्कूल में। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि भारत सरकार ने आदिवासियों के उत्थान के लिए समय समय पर काम भी किया है, और उसका परिणाम हमें कभी देखने को मिलते भी हैं। अगर यहाँ केरल की बात की जाए तो जो पहली महिला आदिवासी महिला हैं श्रीधान्या सुरेश, की सफलता की कहानी किसी दिलचस्प कहानी से कम नहीं है। श्रीधान्या सुरेश के जो पिता हैं वो दिहाड़ी मजदूर थे। उनके परिवार वायनाड के छोटे से गांव में पोजू थाना में रहता था। ये केरल के पिछड़े इलाकों में से एक है। श्रीधान्या के पास अपने परिवार की आर्थिक तंगी के कारण बचपन से ही बुनियादी सुविधाएं तक नहीं पहुंच पाई थी। उसके तीन भाई बहन हैं। परिवार अपना पेट पालने के लिए स्थानीय बाजार में धनुष बाण बेचता था, और श्रीधान्या के पिता हालांकि कम कमाते थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई से नहीं रोका श्रीधान्या को। वास्तव में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके सभी बच्चे गांव में बुनियादी शिक्षा प्राप्त करें और साक्षर बने। श्रीधान्या ने अपनी शिक्षा में बिना किसी रुकावट के पढ़ाई की। उन्होंने वायनाड से ही 10वीं और 12वीं की पढ़ाई भी पूरी करी। बाद में उन्हें कालीकट के कोझिकोड में सेंट जोसेफ कॉलेज से जूलॉजी में ग्रेजुएशन करने के लिए भेज दिया गया। उन्होंने कैलिकट विश्वविद्यालय से अप्लाइड जूलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आवेदन किया और इसे अच्छे से पास किया। कॉलेज के बाद के दिनों में उनकी रुचि यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में चली गई, लेकिन उससे पहले उन्हें नौकरी की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने केरल सरकार के अनुसूचित जाति और जनजाति विकास विभाग में क्लर्क के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने वायनाड में महिलाओं के लिए जनजाति छात्रावास के वार्डन का कार्यभार भी संभाला। श्रीधान्या अपनी नौकरी के दौरान आईएएस अधिकारी श्रीराम राव से मिली, जिन्होंने उन्हें सिविल सेवा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वो उस समय उनके जीवन के तरीके से प्रेरित थी और उन्होंने यूपीएससी सीएससी देने का फैसला भी किया। श्रीधान्या ने अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा दी जाने वाली कोचिंग कक्षाओं में प्रवेश लिया है। वे अपने पहले दो प्रयासों में सफल नहीं हुई हैं, लेकिन उन्होंने नहीं हुई थी लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी उम्मीद नहीं छोड़ी। 2018 में उन्होंने यूपीएससी सिविल परीक्षा प्रीलिम्स और मेंस को क्रैक किया था। हालांकि उनकी परेशानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उनके पास यूपीएससी इंटरव्यू देने के लिए पैसे ही नहीं थे। श्रीधान्या के जीवन में अच्छे दोस्त हैं। यूपीएससी इंटरव्यू के समय उनका परिवार उसके लिए दिल्ली जाने के लिए कोई ट्रेन टिकट बुक करने का प्रबंध नहीं कर सका। हालांकि उनके दोस्तों ने उसके लिए 40,000 रुपये इकट्ठे किए और उन्हें दिल्ली में रहने और आईएएस इंटरव्यू के लिए उपस्थिति होने के लिए भेज दिया। उस समय श्रीधान्या की मेहनत रंग लाई और उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज इंटरव्यू को पास कर लिया। उन्होंने उस साल ऑल इंडिया रैंक 410 हासिल किया और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाली केरल की पहली आदिवासी महिला बनी। आपको ये श्रीधान्या की स्टोरी कैसी लगी ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आपको ये श्रीधान्या की स्टोरी प्रेरित नहीं करती? क्या आपको नहीं लगता कि दो या तीन बार अटेम्प्ट में देने के बाद भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए?